الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد سورة العاديات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام, گزشتہ سورت سورہ زلزال میں اللہ رب العزت والجلال نے احوال قیامت اور حساب کتاب کا ذکر فرمایا تھا کہ جب زوردار زلزلہ آ جائے گا جس کے نتیجے میں زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی. زمین میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, دفینے, خزانے اور مردے. وہ زلزلے کے آنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی اور اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا, یہ ساری چیزیں باہر نکال کے پھینک رہی ہے. اور یہ بات بھی آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی تھی کہ اس دن زمین خبریں نشر کرے گی. اللہ تبارک و تعالی زمین کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے. وہ زمین اللہ کے دربار میں مومن بندہ ہو یا غیر مومن بندہ ہو, ہر ایک کے خلاف زمین گواہی دے گی. جو جس جگہ بیٹھ کر جو اعمال کیا تھا وہ حصے اور وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. جب سارے لوگ میدان محشر میں حاضر ہوں گے, اللہ ہر ایک کا حساب لیں گے. لینے کے بعد لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے, ایک اطاعت گزار لوگوں کی جماعت ہوگی, دوسرے سرکش اور باقی لوگوں کی جماعت ہوگی جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا. انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس آئے تھے, مختلف انداز سے ان کو سمجھاتے رہے, لیکن انہوں نے ایمان کو, اسلام کو قبول نہیں کیا, اللہ کی بات کو نہیں مانا. تو ظاہر ہے ایماندار اور مومن اور اطاعت گزار لوگوں کی جماعت الگ ہوگی اور سرکش اور باغی, نافرمان, مشرق اور کافروں کی جماعت الگ ہوگی. اللہ ہر ایک کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے حساب کتاب لینے کے بعد کہ تو جنتی ہے اور تو جہنمی ہے. ظاہر ہے جو اطاعت گزار بندے ہوں گے وہ دائیں طرف سے جنت میں جائیں گے, اور جو سرکش اور باغی لوگ ہوں گے
वो बाएं तरफ से जहन्नम में जाएंगे। गुज़िश्ता दर्स में आपने वो सारी बातें समाअत फरमाई। उसके बाद हक़ तआला जल्ला शानहू ने यह बात पर इरशाद फरमाई थी, जो कोई ज़र्रा बराबर भी खैर करेगा, दुनिया में भलाई करेगा, उसको देख लेगा। खैर वाले कामों में आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। हमसे जो कुछ हो सकता है अपनी इस्तेआत के मुताबिक अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। जो कोई आदमी ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा उसको देख लेगा, और जो कोई ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा उसको देख लेगा। तो ये सूरह ज़िलज़ाल का तर्जमा और उसका खुलासा था जो आप हजरात की खिदमत में पेश किया गया। अब आगे जो सूरत है सूरह आदियात है। इस सूरत में हक़ तआला जल्ला शानहू ने जंगी घोड़ों के कुछ हालात और सिफात बयान फरमाए। जंगी घोड़े मैदान में घुस जाते हैं और अपने मालिक की पूरी वफादारी करते हैं, हालांकि मालिक का इतना ही एहसान होता है कि वह मालिक उन घोड़ों को उनके खाने दाने का इंतज़ाम करता है, लेकिन खाना दाना और रिस्क यह मालिक का नहीं है, ये तो अल्लाह ही का है। बस अल्लाह के रिस्क को वो एक वास्ते के ज़रिए से वो घोड़ों तक पहुंचाता है। वो ना खाने का मालिक है ना दाने का मालिक है, लेकिन वो जंगी घोड़े अपने मालिक की मोहब्बत में और मैदान जंग में जा घुसते हैं और खिताल करते हैं, लड़ते हैं। हक़ तआला जल्ला शानहू ने उन जंगी घोड़ों के कुछ सिफात और कुछ हालात बयान फरमाए हैं इस सूरत के अंदर। इस सूरत का नाम आदियात रखा गया। आदियात ये जमा है आदियतुन की, इसके माने हैं तेज दौड़ने वाले घोड़े। चूंकि इस सूरत की इब्तिदा ही हुई वल आदियात ज़बहा, शुरू ही में अख्तार जल्ला शानहू ने फरमाया वल आदियात, और आदियात के माने हैं तेज दौड़ने वाले घोड़े। तो हक़ तआला जल्ला शानहू ने इस सूरत का नाम ही आदियात रखा। आदियात तो हक़ तआला जल्ला शानहू ने शुरू की आयतों में जंगी घोड़ों के पांच सिफात बयान फरमाई, और कसम खा के हक़ तआला जल्ला शानहू ने बाद इरशाद फरमाया। हम सब जानते हैं कि गैरुल्लाह की कसम खाना जायज नहीं है, लेकिन हक़ तआला जल्ला शानहू अपनी पैदा करदा मखलूक़ात में से बाज मखलूक़ात की कसम खा के किसी चीज़ को बयान फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला की खुसूसियत है। दूसरे के लिए गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ नहीं। और हक़ तआला जल्ला शानहू जिस चीज़ की कसम खाते हैं और जो मज़मून बयान फरमाते हैं वो मज़मून बड़ा मुतहक्क़क़ होता है, बड़ा मुअक्कद होता है, और वो यकीनी होता है। तो हक़ तआला जल्ला शानहू ने सूरह आदियात में जंगी घोड़ों की कसम खा के ये बात इरशाद फरमाई कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, के बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा ही नाशुक्रा है। अब देखिए उसकी कुछ वजाहत। वल आदियात ज़बहा, कसम है उन तेज दौड़ने वाले घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। ज़बहा फरमाया, ज़बहा ज़बह उस आवाज को कहते हैं जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो दौड़ने के नतीजे में उसके सीने से एक आवाज निकलती है, उसको ज़बह कहते हैं, और उसका तर्जुमा हाँफने से किया गया। तो कसम है उन तेज दौड़ने वाले घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फलमूरियाति कदहा, बस ताप मार कर आग चढ़ाते हैं, आग निकालते हैं। जो जंगी घोड़े होते हैं
उनके पैरों में एक आहनी नाल होती है, पैरों में लोहे की एक चीज उनके पैरों के नीचे पिनाई जाती है। जब वो जंगी घोड़े पथरीली जमीन पर तेजी से दौड़ते हैं, उस दौड़ने के नतीजे में जब वो नाल उन पथरीली जमीन पर लगती है तो उसके नतीजे में चिंगारियां निकलती हैं। तो हक तआला जल्ला शानहु ने उसी का तज़किरा फरमाया कि टाप मार कर आग झाड़ते हैं, आग निकालते हैं। फल मुगीरात सुबहा, और सुबह के वक्त छापा मारते हैं, हमला करते हैं। मुगीरात ये इगारा से मुश्तक है जिसके माने हैं छापा मारना, हमला करना। तो ये जंगी घोड़े सुबह के वक्त हमला करते हैं। अहले अरब जब किसी से लड़ते, जंग करते, तो वो रात में नहीं करते थे। किसी पे हमला करना होता तो रात में नहीं करते, और रात में लड़ने को और हमला करने को वो लोग मायूब समझते थे, क्योंकि वो बड़े बहादुर लोग थे। तो ये सुबह सुबह के वक्त हमला करते थे। तो हक तआला जल्ला शानहु ने फरमाया कि फल मुगीरात सुबहा, के सुबह के वक्त ये छापा मारते हैं, हमला करते हैं। फअसरन बिही नकआ, बस उससे गर्द उड़ती है। जब जंगी घोड़े तेजी से दौड़ते हैं हमला करने के इरादे से, तो उसके नतीजे में धूल उड़ती है, गर्द उड़ती है। जाहिर है जो सुबह का वक्त होता है, सुबह के वक्त में शबनम पड़ती है, और ये चलने फिरने का वक्त भी नहीं होता, ज्यादा चहल पहल नहीं होती। लेकिन जब जंगी घोड़े तेजी से दौड़ते हैं, तो दौड़ने के नतीजे में सुबह के वक्त गुबार उठती है, धूल उठती है। फवसत नबी जमा, फिर वो जमातों में जा घुसते हैं, जिनसे लड़ना होता है उनकी जमातों में ये जंगी घोड़े क्या है, जा घुसते हैं और लड़ते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने मालिक की वफादारी में ये जंगी घोड़े जमातों में जा घुसते हैं और लड़ते रहते हैं। तो हक तआला जल्ला शानहु ने सूरह आदियात की इब्तिदाई आयतों में जंगी घोड़ों की पांच सिफात बयान फरमाई। पहली सिफत क्या है? वल आदियात ज़बहा, कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की जो हांफते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियात क़दहा, दूसरी सिफत घोड़ों की ये बयान फरमाई कि बस ताप मार कर आग झाड़ते हैं। जब वो नाल उनके पैरों में होती है, वो पथरीली जमीन पर जब वो नाल लगती है, उसके नतीजे में चिंगारियां निकलती हैं। फल मुगीरात सुबह, बस ये सुबह के वक्त हमला करते हैं। अहले अरब रात में हमला करने को मायूब समझते थे, सुबह के वक्त हमला करते थे। فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، چوتھی صفت یہ بیان فرمائی حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ بس وہ گرد اور غبار اڑاتے ہیں، صبح میں جب وہ تیزی سے دوڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دھول اٹھتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، بس یہ جماعتوں میں جا گھستے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں۔ یہ پانچ صفات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوتٌ، बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुकरा है। अरे घोड़े को देखो, वो अपने मालिक का कैसा एहतराम करता है, कैसी वफादारी करता है। सिर्फ वो खाने दाने का इंतजाम करता है, खाना भी उसका नहीं, रिज्क भी उसका नहीं, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। और अल्लाह के दिए हुए रिज्क को वो घोड़ों तक पहुंचाता है एक वास्ते के जरिए से। लेकिन वो जंगी घोड़े अपने मालिक की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन इंसान को हक तआला जल्ला शानहु ने अजीब अजीब नेमतें अता फरमाई, अनगिनत नेमतें अता फरमाई, बेहिसाब नेमतें हक तआला जल्ला शानहु ने इंसान को अता फरमाई। इंसान का काम तो यह होना चाहिए कि अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, लेकिन इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ना शुक्रा है। وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ خود حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے دنیا میں بہت کم ہیں، میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں،
और मैंने जाहिर में बहुत सी नेमतें इंसान को अता फरमाई, बातिन में बहुत सी नेमतें अता फरमाई, आंख अता फरमाई तो बड़ी कीमती आंख अता फरमाई, और इसी तरह दो हाथ मैंने अता फरमाए, दो पैर मैंने अता फरमाए, और धड़कने वाला दिल मैंने अता फरमाया, और खूबसूरत दो होंठ मैंने अता फरमाए, और उसके अंदर अल्लाह ने एक मुंह बना के रखा है चेहरे के अंदर, और इस मुंह के अंदर अल्लाह ने जुबान को रखा है जिसके जरिए से हम क्या है माफी जमीर का इजहार करते हैं। ये कैसी कैसी नेमतें हैं, अनमोल नेमतें हैं, क्या ये बाजार में मिलने वाली नेमतें, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाई है। ऐसी ऐसी नेमतें हक तआला जल्ला शानहू ने अता फरमाई। इंसान का काम तो यह था कि इंसान अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी करता, शुक्र करता, लेकिन इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा ना शुक्रा। और रोजाना आदमी कितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं करता। हम मुंह में एक लुकमा रखते हैं खाने का, हम समझते हैं कि यह अल्लाह की एक नेमत है, ये एक नेमत नहीं है, उस नेमत के तहत कई नेमतें हैं। जो रिस्क हम खा रहे हैं ये असल में क्या है, अनाज है। अनाज को किसने पैदा किया, अनाज को हक तआला जल्ला शानहू ने पैदा फरमाया, और उस बीज को हम जमीन में बोते हैं, ये जमीन किसकी है, ये जमीन हक तआला जल्ला शानहू की है, और बोने के बाद उस पर पानी डाला जाता है, ये पानी किसका है, पानी भी हक तआला जल्ला शानहू का है। और जब कुछ दिन उस पर गुजर जाते हैं तो किसान आते हैं, लेबर और मजदूर आते हैं, और उसको निकालते हैं, निकालने के बाद मार्केट में लाते हैं और उसको फरोख्त करते हैं, और उसके बाद लोग अपने घरों में लाते हैं और लाने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखने में तो एक लुकमा है, उस नियामत के तहत कई नियामतें हैं। हक तआला जल्ला शानहू ने इंसान को ऐसी ऐसी नियामतें अता फरमाई, इंसान का काम तो यह था कि हर वक्त वो अल्लाह का शुक्र करता। हक तआला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया, वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरे बंदो मेरा शुक्र करो, अल्लाह खुद फरमा रहे मेरा शुक्र करते रहो, वला तक वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री मत करो, गौर करो मैंने कैसी कैसी नेमतें तुम्हें दी। सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, धड़कने वाला दिल, अच्छे और बुरे की तमीज इंसान करता है, कैसी कैसी नेमतें हैं। ऐसी ऐसी नेमतों के मिलने के बाद वो इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, एहसान है, उसका करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह चाहते तो हमें गधा भी बना सकते थे, अगर अल्लाह चाहते तो हमें गधा भी बना सकते, अगर गधा बनाते तो क्या करते लोग, हमें हमारे गलों में रस्सी डाल के हमें ले जाते और उस पर और वो गधे के ऊपर माल लेके जाते। उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह चाहते तो हमें बंदर भी बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह हमें बंदर बनाते तो लोग हमें लेके जाते, मुख्तलिफ महलों में हमसे नचवाते, लोग खुश होते, लेकिन उस परवरदिगार का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। और उस अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और उसका करम है कि उसने हमें साहिब ईमान बनाया। ईमान की दौलत से अल्लाह तबारक तआला ने हमें मुशर्रफ फरमाया। ईमान ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की असल कीमत, असल असासा और असल सरमाया तो ईमान है। ईमान के बगैर, अल्लाह की वहदानियत के बगैर इंसान का कोई मुकाम नहीं अल्लाह के पास। हदीस में आता है, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा से पूछा था, जरा ये बताओ कि इस दुनिया का गरीब इंसान कौन है। हजरत सहाबा ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप ही बेहतर जानते हैं कि इस दुनिया का गरीब इंसान कौन है। हम गरीब किसको समझते हैं, जिसके पास घर ना हो तो हम उसको गरीब समझते हैं, जिसके पास गाड़ी ना हो तो हम उसको गरीब समझते हैं, और जिसके पास रहने के लिए अच्छा आलीशान मकान ना हो तो हम उसको गरीब समझते हैं, और जिसके पास माल और पैसा ना हो तो हम उसको गरीब समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा से फरमाया, न जाने तुम्हारी निगाह में गरीब कौन है, लेकिन एक बात याद रख लो, निगाह नबुव्वत में गरीब वो शख्स है
जिसके पास माल और दौलत के अंबार तो मौजूद हो लेकिन वो ईमान की दौलत से महरूम रहे, वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान, सबसे गरीब इंसान। उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें साहिब ईमान बनाया, ईमान वाला बनाया। उसका शुक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। यह उम्मत सबसे बेहतर उम्मत, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर यह उम्मत है। उस खालिक का, उस मालिक का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है। इतनी बड़ी नेमतों को इंसान देखता है, रोजाना इस्तेमाल करता है, हमारे जाहिर में है और हमारे अनफुस में, अंदरून में है, और बहुत सी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, करने के बाद भी हक ताला जल्ल शानहू का हम शुक्र नहीं करते। हक ताला जल्ल शानहू ने फरमाया, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा। यहां पे इंसान से मुराद कौन सा इंसान है? उलमा ने बयान फरमाया कि यहां पे इंसान से मुराद काफिर है, जो अल्लाह की नेमतों को रोजाना इस्तेमाल करता है और अल्लाह ने जो चीजें उसको अता फरमाई हैं, आंख दिया, कान दिया, सर दिया और हाथ दिया, पैर दिए और बहुत सी चीजें दिए, लेकिन वो चीजें अल्लाह की इताअत में सिर्फ नहीं करता। ये सर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहे के लिए अता फरमाए, ये सर इसीलिए अता फरमाए कि अल्लाह की दी हुई पेशानी को आदमी अल्लाह के सामने झुकाए, ये उसकी शुक्रगुजारी। ये आंख का शुक्र ये है कि आदमी किसी गैर महरम को ना देखे, किसी पर नजर पड़ जाए तो फौरन नजर नीची कर ले, ये आंख का शुक्र है। कान का शुक्र क्या है? जिन बातों को सुनने से अल्लाह नाराज होते हैं वो बातें ना सुने। और इसी तरह हाथ का शुक्र यह है, जिन चीजों को पकड़ना चाहिए उन चीजों को इख्तियार करे, उन चीजों को इस्तेमाल में लाए, और जिन चीजों को अल्लाह ने मना फरमाया है उससे बचते हुए जिंदगी गुजारे। पैरों का शुक्र क्या है? पैरों का शुक्र यह है कि यह पैर मासियत की तरफ न चले, गुनाहों की तरफ न चले, बल्कि इताअत की तरफ चले। कितने काफिर और मुशरिक, बदमाश और बदकिरदार, सरकश और बागी लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनको कीमती सर अता फरमाया, कीमती आंख अता फरमाई और दो हाथ अता फरमाए, दो पैर अता फरमाए, धड़कने वाला दिल अता फरमाया। होना तो ये चाहिए था कि यह सर उसी के सामने झुकता और आदमी इताअत का मुजाहिरा करता और इस्लाम में दाखिल हो जाता, लेकिन इतनी नियमतों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी इंसान क्या है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी को नहीं गुजारता और दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं होता। तो उलमा ने बयान फरमाया कि यहां पे इंसान से मुराद काफिर है, लेकिन जिनके अंदर ये सिफात पैदा आ जाती हैं तो वो भी इसके अंदर दाखिल है। आम मुसलमान जो जिनके अंदर नाशुक्री के जज्बात पैदा होते हैं, नाशुक्री करने लगते हैं, वो हजरात भी इसके अंदर दाखिल। हक़ ताला जल्ल शानहू ने यहां पे इंसान फरमाया, मुतलक फरमाया। जाहिर है इंसानों में बहुत से मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी हैं, और मुसलमानों में भी बाद अल्लाह वाले हैं, अंबिया हैं, सुलाहा हैं, अत्किया हैं, जिनकी जिंदगी हमेशा तकवे में गुजरती है, इल्लाहियत में गुजरती है। जाहिर है ऐसे लोग तो मुस्तस्ना हैं, लेकिन मुसलमानों में बाज़े लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, आंख का सही इस्तेमाल नहीं होता, कान का सही इस्तेमाल नहीं होता, हाथ और पैर का सही इस्तेमाल नहीं होता, ये धड़कने वाला दिल अल्लाह ने अता फरमाया, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को नहीं बसाते, गैरुल्लाह की मोहब्बत को बसाते हैं, तो ऐसे हजरात भी नाशुक्र हैं अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके, अल्लाह का क्या है, नाशुक्री कर रहे हैं, ये लोग भी उसमें दाखिल। तो हक़ ताला जल्ल शानहू ने फरमाया कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और खुद को उसकी खबर भी है, नाशुक्रा होने की उसको खबर भी है। आदमी जब गौर करता है ना, गौर करे तो समझ में आता, जुबान नहीं बोली तो नहीं बोली मगर दिल तो बोलता रहता।
हमेशा आदमी क्या है, जब किसी मसले में फंस जाता, जज्बात में आके उल्टी सीधी बातें करने लगता है, करने के बाद जब अपने घर को जाता है, सोचता है, तो दिल बोलता है, देख तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा इंतकाम, ऐसी कार्रवाई तुझे नहीं करना चाहिए था। दिल तो बोलता रहता है लेकिन जुबान से इजहार नहीं होता, जुबान से इजहार नहीं होता। तो हर तालिब अल्लाह शानों ने फरमाया, खुद को उसकी खबर भी है, नाशुकरा होने की उसको खबर भी है। उसके बाद फरमाया कि وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, बेशक वो माल की मोहब्बत में बड़ा मजबूत है, बड़ा सख्त है। इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त, बड़ा मजबूत। ये माल की मोहब्बत जब दिल में आ जाती है ना, यही चीज इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। लेकिन जरूरियात हैं, जरूरियात की तकमील माल से होती है। आदमी हाथ धो के तो नहीं बैठ सकता घर में, कुछ ना कुछ करना पड़ता है माश के लिए, अपनी जरूरतों की तकमील के लिए जाना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा। कमाना और हलाल कमाना ये फर्ज है और कमाना चाहिए, लेकिन कमाई हुई चीज को और वो माल की मोहब्बत दिल में नहीं आना चाहिए। जब तकाजे सामने आ जाए, अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए, तो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते रहना चाहिए। माल की मोहब्बत जब दिल में आती है तो आदमी अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, बल्कि गुनाहों वाले कामों में, मासियत वाले कामों में, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों में उसका पैसा खर्च होता है। इसीलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि कस्बे दुनिया मना नहीं है, हुब्बे दुनिया मना है। कस्बे दुनिया बोलो खूब कमाओ, अल्लाह ने मना नहीं फरमाया, खूब कमाइए मगर हलाल तरीके से कमाओ, अच्छा और अच्छे और उम्दा घर में रहो, इससे मना नहीं किया गया है। लेकिन फख्र मुबाहात नहीं होना, मेरा इतना आलीशान घर है, मेरा घर ऐसा घर है कि महल्ले में किसी का घर ऐसा नहीं है, ये तकब्बुर के बोल जुबान से अदा नहीं होना, बल्कि अल्लाह का शुक्र करते रहना, उस अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसने मुझे माल की फरावानी अता फरमाई, मैं रहने के लिए एक आलीशान घर बनाया, ये अल्लाह का शुक्र करते रहना। तो कस्बे दुनिया मना नहीं है, हुब्बे दुनिया मना है। माल की मोहब्बत जब दिल में आ जाएगी तो यही मोहब्बत इंसान को हलाक और बर्बाद कर देगी। उलमा ने लिखा है कि माल की जो मिसाल है ना, वो समंदर की सी है, माल की मिसाल समंदर की सी है, और दिल की जो मिसाल है वो कश्ती की सी है। कश्ती कैसे पानी में चलती है? पानी नीचे रहे और उसके ऊपर कश्ती रहे, और कश्ती में जितने लोग बैठेंगे उनको जहां भी जाना होगा वो मंजिल मकसूद को पहुंच जाएंगे। लेकिन उस कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा तो वो कश्ती भी गर्काब हो जाएगी और सारे लोग को, जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी डूब जाएंगे। इसी तरह इस दिल की मिसाल है, इस दिल में जब माल की मोहब्बत आएगी तो यही माल इंसान के लिए हलाकत का बाइस बनता है, तबाही का बाइस बनता है। तो अल्लाह ने कमाने से मना नहीं फरमाया, खूब कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, लेकिन माल की मोहब्बत दिल में नहीं आना चाहिए। तो काफिरों की जो खसलत है वो ये है कि वो माल की मोहब्बत में बड़े मजबूत होते हैं, अपने परवरदिगार के बड़े नाशुक्रे होते हैं, और माल की मोहब्बत में बड़े सख्त होते हैं। ये खसलतें तो कुफार की है, मुशरिकीन की है। अगर किसी मुसलमान के अंदर अगर ये खसलतें पाई जा रही हैं, उसको फौरी तौर पे उसको दूर कर लेना चाहिए। ये खसलतें हमारी नहीं है भाई, हम किससे मोहब्बत करना? अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना, अल्लाह के नबी की लाई हुई तालीमात से मोहब्बत करना, माल मोहब्बत करने की चीज नहीं। आज हमारे पास है तो थोड़े दिनों में अल्लाह ये माल किसी और को भी दे सकते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, ताकत है, जिसे चाहे अल्लाह इज्जत देते हैं, जिसे चाहे अल्लाह जिल्लत देते हैं, जिसे चाहे अल्लाह माल अता फरमाते हैं, और जिसे चाहे अल्लाह एक एक वक्त के खाने पे मजबूर कर देते हैं। ये अल्लाह की ताकत है। माल से आदमी को कभी मोहब्बत नहीं करना,
तो ये असल में काफिरीन की ये कसलतें हैं, लेकिन किसी इंसान मुसलमान के अंदर भी अगर ये कसलतें पाई जा रही हैं तो आदमी क्या है, फौरन उसको दूर कर ले और इन चीजों से इश्तराब करे। उसके बाद हर ताला जल्ला शानहू ने आगे की आयत में बाद इरशाद फरमाई, अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, क्या वो लोग नहीं जानते, ये काफिर और मुशरिक नाफरमान लोग नहीं जानते कि जब वो खबरों से उठाए जाएंगे, जो कुछ खबरों में है, खबरों से मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, वह हुस्सिला माफी सुदूर, और जो कुछ उनके सीनों में है आश्कारा किया जाएगा। अरे उनको ये बात तो सोचना है, समझना है कि तुम जिस माल की मोहब्बत में तुम क्या है मासियतों में गिरफ्तार होते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो, नाशुकरी का इजहार करते हो, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करने के बाद भी कभी अल्लाह का शुक्र तुम नहीं करते, क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है? याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला सारे मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे, खबरों से उठाएंगे, उठाने के बाद वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, सीनों में जो कुछ है, जो चीजें पोशीदा हैं, हक ताला जल्ला शानहू उसको आशकारा कर देंगे, वाजह कर देंगे। दिल में किसकी मोहब्बत को बसाया था तू, क्या क्या चीजें तेरे दिल में थी, किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल में, माल की मोहब्बत तेरे दिल में, और बहुत सी चीजों की मोहब्बत तेरे दिल में थी, हक ताला जल्ला शानहू उसको आशकारा फरमा देंगे कयामत के दिन, वाजह फरमा देंगे। इन रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, बेशक उनका परवरदिगार उस दिन लोगों के अहवाल से खूब आगाह होगा, खूब वाकिफ होगा। वैसे तो अल्लाह हर एक को जानते हैं, हर एक के अहवाल से वाकिफ है। उस दिन की कैद इस वास्ते से बयान फरमाई गई है क़यामत के दिन की, क्योंकि वो जजा और सजा का दिन है, क़यामत का जो दिन है जजा और सजा का दिन है। तो हक ताला जल्ला शानहू ने फरमाया उस दिन उनका परवरदिगार उन तमाम लोगों के अहवाल से बखूबी वाकिफ होगा, अच्छी तरह वाकिफ होगा, कौन अपने दिल में मेरी मोहब्बत को बसा के आया था, कौन अपने दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत को बसाया था, कौन माल की मोहब्बत को बसाया था, कौन दुनिया की मोहब्बत को बसाया था, और चीजों की मोहब्बत उसके दिल में बसी हुई थी, हक ताला जल्ला शानहू उन चीजों से बखूबी वाकिफ होंगे, उसके मुताबिक जजा होगी, उसके मुताबिक सजा होगी। दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह के नबी की मोहब्बत होगी, जाहिर है उसका ठिकाना क्या है, जन्नत है, दाहिनी तरफ से जन्नत में चले जाएंगे। जाहिर है जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, गैरुल्लाह की मोहब्बत होगी, माल की मोहब्बत होगी, और वो साहिब ईमान नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला उसको सजा देंगे और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे, वहां से निकलने का सवाल ही नहीं होगा, और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, वहां से निकलने का सवाल ही नहीं होगा, और वहां मौत भी नहीं आती। या आदमी तकलीफ में, जब बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है तो क्या बोलता, अल्लाह मौत दे दे, मौत दे दे, बहुत से लोग बोलते हैं मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और अजाबात की जो शिद्दत होगी, जो सख्तियां होंगी, उसको देख के और वो तकलीफों को जब वो बर्दाश्त नहीं करेगा काफिर मुशरिक, तो कहेगा अल्लाह मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी, वहां जलना ही पड़ेगा, और कितने दिन जलना पड़ेगा उसका कोई वक्त ही नहीं, कोई वक्त ही नहीं उसका, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना। तो हक ताला जल्ला शानहू ने सूरह आदियात में जंगी घोड़ों की पांच सिफात बयान फरमाई, पांच सिफात बयान फरमाने के बाद यह बात इरशाद फरमाई कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, के बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्र। आदमी को हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। जो आदमी अल्लाह का शुक्र करता है अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाते हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर फरमाएंगे, वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त। आदमी गौर करना बैठ के, कैसी खूबसूरत जिल्द अल्लाह ने अता फरमाई,
कैसे खूबसूरत पैर अल्लाह ने अता फरमाए, कैसे खूबसूरत हाथ अल्लाह ने अता फरमाए, और उंगलियों का निजाम अल्लाह ने रखा, और ये उंगलियां मुड़ती हैं, मुड़ने के नतीजे में हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं, और अल्लाह ने पैरों में उंगलियों को लगा के रखा है जिसके जरिए से हम चलते हैं। आदमी गौर करे कैसी कैसी नेमतें हर ताला अल्लाह शानहू ने इंसान को अता फरमाई, और ये आदमी ये भी गौर करे कितने लोग ऐसे हैं उनके पास पैर हैं लेकिन पैरों में ताकत नहीं है, वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दो हाथ हैं लेकिन वो हाथों से पकड़ नहीं सकते, मजबूर हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दो आंख हैं लेकिन वो आंखों से देख नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कान है लेकिन वो कानों से सुन नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में जुबान है लेकिन वो जुबान का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी माफी जमीर का इजहार नहीं कर सकते। इंसान अपनी तन्हाई में बैठ के गौर करे उस मालिक का कितना बड़ा एहसान और उसका करम और उसका फजल है, उसने मुझे सही सालिम आजा अता फरमाए, मेरी आंख भी सही चल रही है, मेरे हाथ भी सही चल रहे हैं, मेरी जुबान का भी सही इस्तेमाल हो रहा है, और मेरे पैर भी सही चल रहे हैं, अल्लाह ने उसके अंदर ताकत अता फरमाई है। इन नेमतों को देख के आदमी अल्लाह का शुक्र करता रहेगा, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएगा, और अगर हम अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। तो ये सूरह आदियात का तर्जुमा और कदरे तशरीह थी जो आप हजरात की खिदमत में पेश की गई है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।